अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारूजी सवालात का, यानी MCQs का। ये MCQs और मारूजी सवालात ऐसे हैं जो टोटल NCERT बेस्ड हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये MCQs और मारूजी सवालात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये सवालात, ये मारूजी सवालात, ये क्वेश्चंस आपके लिए कितना बेनिफिट और फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है? अफसाना से, खाका से, सवानह निगारी से या नावल से? मंदरजा ज़ेल में नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है आपको बताना है। अफसाना से ताल्लुक़ है उसका, या खाका से है, या सवानह निगार से है, या फिर नावल से है, किस से है? तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस से है? नावल निगार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलशन क्या है? गुलशन क्या है? क्या गुलशन का माना गुलशन बाग है, या इसमें ज़र्फ है, या इसमें आला है, या सिंफ है? गुलशन क्या है? तो किस तरह के क्वेश्चन और सवालात बन सकते हैं, BPSC में किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, आप उसका भी अंदाज़ा इन मारूजी सवालात से लगा सकते हैं। गुलशन क्या है? गुलशन क्या है? सही जवाब क्या है? एक बाग। गुलशन क्या है? गुलशन का माना है बाग। अगला सवाल है, निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या है? निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है? ख़त्मा, राबता, तवील ठहराव या मुख्तसर ठहराव? तो इस वक्फा का मतलब क्या है आपको जवाब देना है। इस वक्फा का मतलब है तवील ठहराव। तवील ठहराव, इस वक्फा का मतलब है तवील ठहराव। अगला सवाल है, शायर रोमान किसको कहा जाता है? शायर रोमान किसको कहा जाता है? सरदार जाफरी को, फैज़ को, इकबाल को, अख्तर शेरानी को? शायर रोमान किसे कहा जाता है? अख्तर शेरानी को शायर रोमान कहा जाता है। अख्तर शेरानी, अख्तर शेरानी को क्या कहते हैं? शायर रोमान कहते हैं। अगला सवाल है, दायम के क्या माना है? दायम के क्या माना है? कभी कभी, नामुमकिन, हमेशा, कायम? तो दायम का मतलब होता है हमेशा। दायम का मतलब होता है हमेशा। दायम का माना है हमेशा। अगला सवाल है, इंशाइया क्या है? इंशाइया क्या है? इंशाइया मज़मून है, या अफसाना है, नावल है, दास्तान है? तो दोस्तों, इंशाइया क्या है? इंशाइया एक मज़मून है। इंशाइया क्या है? मज़मून है। सही जवाब है 1। इंशाइया क्या है? मज़मून है। अगला सवाल है, इकबाल की वफ़ात हुई कब? इकबाल की वफ़ात हुई थी 1930 में, 1930 सियालकोट में, या 1938 लाहौर में, या 1940 कराची में, या 1935 लाहौर में? तो सही जवाब है 1938। इकबाल की वफ़ात कब है? 1938 में है, और कहाँ पे है? लाहौर में। इकबाल की वफ़ात 1938 लाहौर में है। दोस्तों, ये बहुत ही उमदा और बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप इसको जहन में रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए और बार बार देखिए, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल और पुख्ता तैयारी हो। अगला सवाल है, जहरे इश्क वो पहली मसनवी है जो लखनऊ की तहजीब की अक्कासी करती है, सलीस इस्लूब में लिखी गई है, हमारी तहजीब की नुमाइंदा है, फौकुल फितरी अनासिर से पाक है? तो इसका सही जवाब क्या है? फौकुल फितरी अनासिर से पाक है। इस तरह के जो सवालात हैं, मारूजी सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, आप अगर NCERT बुक को पढ़ेंगे तो आप आसानी से इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। और BPSC में आमतौर से इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो सवालात आए हैं, उसमें आमतौर से मैक्सिमम क्वेश्चन किससे पूछा गया है? NCERT ही से पूछा गया है। और ये सारे के सारे सवालात किससे हैं? NCERT से हैं। तो NCERT को आप पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से
ये रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। NCERT का मैं सीरीज़ भी चला रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियोज़ को भी आप देख लीजिए, और MCQs का वीडियो भी आप देखते रहिए ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल पुख्ता और पुख्ता हो। तो ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो फ़ौकुल फितरी अनासिर से पाक है। ज़हर इश्क वो पहली मसनवी है जो फ़ौकुल फितरी अनासिर से पाक है। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी अरबी और दीनी उलूम की तालीम हासिल की। फ़ानी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, फैज़ अहमद फैज़, शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से। किससे हासिल की? अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी अरबी और दीनी तालीम या दीनी उलूम की तालीम हासिल किससे की थी? शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से हासिल की थी। आप इसको याद रखिए। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? सियालकोट में, आगरा में, दिल्ली में या रामपुर में? तो सही जवाब है आगरा में। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ पर हुई है? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ है? आगरा में है। अगला सवाल है, प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमा किस नाम से है? प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमा जो है वो किस नाम से है? प्रेम पचेसी, सोजे वतन, आखिरी तोहफा, वारदात। तो प्रेमचंद के अफसानों का जो पहला मजमा है वो किस नाम से है? सोजे वतन के नाम से है, सोजे वतन के नाम से है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला खाका निगार है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? मौलवी अब्दुल हक फरहतुल्ला बेग, मौलवी अब्दुल समद, मौलवी ज़काउल्ला। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? आप इसको समझिए, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? फरहतुल्ला बेग। सही जवाब क्या है? फरहतुल्ला बेग है। उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्ला बेग है। अगला सवाल है, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत आदम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जन्नत से किसको निकाला गया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। जन्नत से कहाँ उतारा गया? दुनिया में उतारा गया। अगला सवाल है, दर्ज ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? यहाँ पे चंद अल्फाज दिए गए हैं, आपको पहचान करना है कि उनमें से कौन मुअन्नस है। कुतुब खाना, मुल्क, मज़मून, खुशबू। तो मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ है? खुशबू। क्या है? मुअन्नस है। कितनी अच्छी खुशबू है, तो क्या हम बोलेंगे? कितनी अच्छी खुशबू है। खुशबू क्यों, केस क्यों ऐसे बोलेंगे? खुशबू मुअन्नस है। अगला सवाल है, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या है? अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या है? शायर, तनकीद, तहकीक, तंज़ो ज़राफ़त। तो सही जवाब क्या है? तंज़ो ज़राफ़त, तंज़ो ज़राफ़त, तंज़ो ज़राफ़त क्या है? अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या है? तंज़ो ज़राफ़त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला असबाब बगावत, रिसाला असबाब बगावत, बगावत हिंद का मकसद क्या था? असबाब बगावत हिंद का मकसद क्या था? नई राह दिखाना, नंबर दो हिंदुओं पर बगावत का इल्ज़ाम लगाना, नंबर तीन मुसलमानों के मुतलिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करना, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना। तो इसका सही जवाब क्या है? मुसलमानों के मुतलिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करना, ये असबाब बगावत हिंद का मकसद था। और ये किसकी किताब थी? सर सैयद अहमद की किताब है, असबाब बगावत हिंद। अगला सवाल है, भारत रत्न क्या है? लकब, खिताब, कुनियत, उर्फ। भारत रत्न क्या है? ये खिताब है, ये खिताब मिलता है भारत रत्न। अगला सवाल है, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे कहते हैं नात, हम्द, मनकबत, कसीदा। तो सही जवाब है, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहेंगे। अगला सवाल है, गालिब बुरा ना मान जो वाइज़ बुरा कहे मैं गालिब क्या है? गालिब बुरा ना मान जो वाइज़ बुरा कहे मैं गालिब क्या है? तो क्या ये लकब है, तखल्लुस है, कुनियत है, खिताब है? तो गालिब ये क्या है? गालिब क्या है? तखल्लुस है। गालिब पहले क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे? पहले असद इख्तियार करते थे, फिर गालिब करने लगे।
अगला सवाल है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, तालील, मुनाजिर, तजाद, तलमीह। सवाल क्या है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तालील है या मुनाजिर है, तजाद है, तलमीह है। सही जवाब क्या है, तलमीह। तलमीह क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है, मिट्टी का तेल किसका मज़मून है, मिट्टी का तेल किसका मज़मून है, ख्वाजा हसन निज़ामी की, वज़ीर आगा, अहमद जमाल पाशा, शफी जावेद। तो सही जवाब है इसका ख्वाजा हसन निज़ामी की, ख्वाजा हसन है, ख्वाजा हसन निज़ामी की। अगला सवाल है, दर्ज ज़ेल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है, गोल घर, ताजमहल, लाल किला, शहर। शहर क्या है, इसमें आम है। इसमें ख़ास किसे कहते हैं, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें ख़ास कहते हैं। गोल घर कोई ख़ास जगह है, ताजमहल कोई ख़ास बिल्डिंग है, लाल किला भी कोई ख़ास बिल्डिंग है, शहर क्या है, इसमें आम है। अगला सवाल है, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में क्या नस्बत है, भाई, उस्ताद, शागिर्द, बाप बेटे, रिश्ता। बहुत ही आसान सवाल है, तीन नंबर सही जवाब है, बाप बेटे का रिश्ता है, बाप बेटे का। अगला सवाल है, नज़्म के लफ्ज़ी माना है पिरोना, समोना, चुनना, काटना। तो लफ्ज़ का, नज़्म का जो लफ्ज़ी माना है वो क्या है, पिरोना। अगला सवाल है, उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया है, उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया है, हयातुल्ला अंसारी, मौलवी मोहम्मद बाकिर, ज़फ़र अली, अबुल कलाम आज़ाद। तो सही जवाब है मौलवी मोहम्मद बाकिर, इसने उर्दू का पहला अखबार जारी किया था। अगला सवाल है, किस शख्स की तहरीरी तस्वीर को क्या कहते हैं, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर को क्या कहते हैं, खाका निगारी, सवानह निगारी, इंशाइया, अफसाना। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर को क्या कहते हैं, खाका निगारी कहते हैं, खाका निगारी। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर को क्या कहते हैं, खाका निगारी कहते हैं। अगला सवाल है, इंसान के अंदर डैश का एहसास सबसे ज़्यादा कवी है, कौन सा एहसास सबसे ज़्यादा कवी है इंसान के अंदर, हसर का, गम का, नफ़रत का, हुस्न का। इंसान के अंदर हुस्न का जो एहसास है सबसे ज़्यादा कवी है। अगला सवाल है, मदह के क्या माना है, मदह के माना क्या है, बखालत, तारीफ, तनकीस, शिकायत। तो मदह का माना है तारीफ, मदहा से है, मदह का माना है तारीफ। अगला सवाल है, मीर अमन का तखल्लुस क्या है, मिर्ज़ा, मुल्ला, बाबा, लुत्फ़। तो मीर अमन का जो तखल्लुस है वो है लुत्फ़, मीर अमन का तखल्लुस क्या है, लुत्फ़। अगला सवाल है, तशबीब किस सिन्फ़े शायरी का हिस्सा है, तशबीब किस सिन्फ़े शायरी का हिस्सा है, मरसिया, कसीदा, मसनवी, रुबाई। तो तशबीब किस सिन्फ़े शायरी का हिस्सा है, कसीदा का हिस्सा है, कसीदा, कसीदा का हिस्सा है। अगला सवाल है, बागो बहार क्या है, बागो बहार क्या है, दास्तान, इंशाइया, नावल, खाका। बागो बहार क्या है, दास्तान है, बाग़ो बहार क्या है, दास्तान है। अगला सवाल है, तशबीह किस ज़बान का लफ्ज़ है, तशबीह किस ज़बान का लफ्ज़ है, बरतानवी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी। साथियों, ये सब जितने भी मारूजी सवालात हैं या क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप पूरी बुक को पढ़ेंगे तब भी इतना आप याद नहीं कर सकते हैं जितना आप मारूजी सवालात और MCQs के ज़रिए आप याद रख सकते हैं। तो ये सब आप जहन में रखिए और ध्यान से सुनिए वीडियो को। तशबीह की ज़बान का लफ्ज़ है बरतानवी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी। तो तशबीह की ज़बान का लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है, नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है, अली अब्बास हुसैनी की, सज्जाद हैदर एलदरम, सुहेल असीम आबादी या कृष्ण चंद्र की। तो किसकी है, सज्जाद हैदर एलदरम की, सज्जाद हैदर एलदरम की है नशा की पहली तरंग, सज्जाद हैदर एलदरम की ये अफसाना है।
अगला सवाल है, किसी चीज़ को किसी ख़ास मुशाबहत की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना क्या कहलाता है? बहुत ही आसान है, इस्तेआरा, किनाया, तशबीह या मजाज़े मुरसल। तो तशबीह कहलाता है, क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। किसी चीज़ को किसी ख़ास मुशाबहत की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्या है, जैद क्या है, शेर की तरह है। किस चीज़ में? ताकत में शेर की तरह है। तो जैद की मुशाबहत, जैद की ताकत की मुशाबहत किससे दी गई? शेर की ताकत से। अगला सवाल है, उर्दू में नाविल लफ्ज़ किस जबान से है? बरतानवी जबान, अतालवी जबान, जर्मनी, फ्रांसीसी। तो उर्दू में जो नाविल लफ्ज़ है, उर्दू में नाविल लफ्ज़ किस जबान से है? नावल किस जबान से है? बरतानवी जबान से है। अगला सवाल है, मुगलिया हुकूमत के आखिरी बादशाह का नाम बताइए। मुगलिया हुकूमत के आखिरी बादशाह का नाम क्या है? बहादुर शाह जफर, औरंगज़ेब, शाहजहां, आलमगीर सानी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब है बहादुर शाह जफर। मुगलिया के आखिरी बादशाह का नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, बाग़ो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? बाग़ो बहार में बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम क्वेश्चन है, बाग़ो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो 4 दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। अगला सवाल है, फ़साना आज़ाद, फ़साना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? डॉक्टर इबादत बरेलवी की, सर सैयद अहमद ख़ान की, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा की, रतन नाथ सरशार की। तो फ़साना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? रतन नाथ सरशार की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? अल्लामा इकबाल, गालिब, सर सैयद या हाली ने। तो सही जवाब क्या है? सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है, यह शेर किसका है? दाग, हसरत, हाली, नज़ीर अकबर आबादी। तो सही जवाब है दाग। अगला सवाल है, करबल कथा का मौजू क्या है? करबल कथा का मौजू क्या है? वाक़ियात करबला, इश्किया शायरी, रमानन, इंद्रसभा। तो सही जवाब क्या है? वाक़ियात करबला सही जवाब है। अगला सवाल है, साथियों, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सर सैयद, मीर, हाली, मुल्ला, वजी। लेकिन आम तौर से किस में हम फंसते हैं? आसान वाले क्वेश्चन में ही हम फंसते हैं। यादगार गालिब किसकी किताब है? हाली की तसनीफ़ है ये, हाली की यादगार गालिब। अगला सवाल है, रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे? रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे? फिराक, इकबाल, जोश, हसरत। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जोश। रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे? जोश। रिसाला आजकल के मुदीर कौन है? जोश। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल की मज़ार किस शहर में है? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट। अल्लामा इकबाल की मज़ार किस शहर में है? इस्लामाबाद में है या कराची में है या लाहौर में है या सियालकोट में है? तो कहाँ है? लाहौर में है। अगला सवाल है, अमीर खुसरो किस सूफ़ी के मुरीद थे? अमीर खुसरो किस सूफ़ी के मुरीद थे? नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी के, शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के, ख्वाजा बख्तियार काकी के, नसीरुद्दीन हाशमी। तो सही जवाब क्या है? नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी के मुरीद थे। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल किस सिंफ से ताल्लुक़ रखते थे? अल्लामा इकबाल मरसिया से ताल्लुक़ रखते थे या नसरी से या नज़्म से या रुबाई से? बहुत ही ईजी और आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ किससे है? नज़्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे कहते हैं तनकीद, खाका, सवानह, मज़मून। किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए, आप इस चीज़ को गौर से समझिए, अच्छा से समझिए, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे मज़मून कहते हैं। अगला सवाल है, मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? आगरा में कब पैदा हुए? 1722, लखनऊ 1750, इनमें इख्तलाफात हैं।
आगरा 1720। तो सही जवाब है आगरा 1722 में इनकी पैदाइश हुई मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजायबुल कसस किसकी तसनीफ़ है? अता हुसैन तहसीन की, आम इंसान की, महरचंद की या शाह आलम सानी की? तो शाह आलम सानी की किताब है अजायबुल कसस। अजायबुल कसस किसकी तसनीफ़ है? शाह आलम सानी की तसनीफ़ है अजायबुल कसस। अगला सवाल है अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना समझते हैं, मददगार, कवि, हमदम, साथी। अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना समझते हैं कवि। अगला सवाल है उर्दू की पहली नसरी किताब है, उर्दू की पहली नसरी किताब है सबरस, दर्पण, उमराव जान, बागो बहार। तो क्या है उर्दू की पहली नसरी किताब? सबरस। सबरस। अगला सवाल है कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, मिर्ज़ा सलामत अली दुबेर गालिब। तो सही जवाब क्या है? मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। अगला सवाल है उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है, आसान क्वेश्चन है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नोमानी के शागिर्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिंदे की फरियाद किसकी नज़्म है? परिंदे की फरियाद बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, गालिब की, हाली, मीर, इकबाल। परिंदे की फरियाद किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल है मिस्रों का वो मजमुआ जिसमें मानवी राबता और फिक्री तसलसल पाया जाए कहलाता है मरसिया, नज़्म, गज़ल, मसनवी। मिस्रों का वो मजमुआ जिसमें मानवी राबता और फिक्री तसलसल पाया जाए उसको क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का मनसब क्या है? बाहरी हुकूमत, हिंदुस्तान की सानवी ज़बान, हिंदुस्तान की कौमी ज़बान, हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान, हिंदुस्तान की सानवी ज़बान। अगला सवाल है शेर कहने वाला क्या कहलाता है? मुसन्निफ़ कहलाता है, दर्जी कहलाता है, शायर कहलाता है, उस्ताद। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको जानना चाहिए। शेर कहने वाला हर कोई जानता है कि उसे क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। अगला सवाल है ताज़ा हवा में हवा क्या है? सिफत, मौसूफ, ज़मीर, फ़ेल। तो ताज़ा हवा में हवा क्या है? हवा। ताज़ा हवा में, ताज़ा हवा में हवा क्या है? सिफत है। अगला सवाल है मलिकुश शोरा का खिताब, मलिकुश शोरा का खिताब किसे अता हुआ? ज़ौक़, इकबाल, गालिब, हाली। तो ज़ौक़ सही जवाब है। तजाद लफ्ज़ किसे कहते हैं? मुज़क्कर अल्फाज को, हमाना अल्फाज को, खूबी बताने वाले अल्फाज को, या उल्टे माने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? तजाद कहते हैं। जो अपोज़िट वाले वर्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम तजाद कहते हैं। अगला सवाल है जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? तो 1965, 1972, 1990, 1988 सही जवाब है इसका। 1988 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। अगला सवाल है जिसमें सफ़र की रुदाद या हालात बयान किए गए हों उसे कहते हैं दावतनामा, सवालनामा, सफ़रनामा या ज़िक्रनामा? सही जवाब है सफ़रनामा। सही जवाब क्या है? सफ़रनामा। अगला सवाल है कहाँ मैंने पहचान कर मेरी जान, कहाँ मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के बार। ये अशार किसकी नज़्म से लिए गए हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ़ानी, पंडित जवाहर प्रसाद बर्क, इकबाल, बदायूनी। तो ये नज़्म किसकी है? इकबाल की नज़्म है ये। अगला सवाल है अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला निकाला, डेली न्यूज़, सभी, दिलगुदाज, उसके बाद इनकलाब। सही जवाब क्या है? दिलगुदाज।
दिलगुदास क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह कब हुआ? ऑप्शन ए है 4 मई 1801, बी 6 मई 1819, सी 4 मई 1805 है, फोर है 5 मई 1822। सही जवाब इसका है 4 मई 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह कब हुआ था? 4 मई 1800 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है ज़िंदगी के हालात बयान, शहीदों का मातम, इश्किया दास्तान, उसके बाद रोमान नाविल। तो इसका सही जवाब है इश्किया दास्तान, इश्किया दास्तान सही जवाब है। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान क्या है? इश्किया दास्तान है। अगला सवाल है, उर्दू ने अपनी आगाज़ व इर्तिका का बाकायदा सफ़र कब शुरू किया? आज़ादी से पहले, 13वीं सदी, 15वीं सदी या 9वीं सदी में? तो सही जवाब क्या है? 13वीं सदी। अगला सवाल है, अहमद जमाल पाशा के तनकीदी मजामीन का मजमुआ है अंदेशाए शहर, लज़्ज़त आज़ार, निकात शौरा, उसके बाद ज़राफ़त और तनकीद। सही जवाब क्या है? ज़राफ़त और तनकीद। अहमद जमाल पाशा के तनकीदी मजामीन का मजमुआ है ज़राफ़त और तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान के माना है अरमान, आप बीती, लश्कर, इर्तिका। सही जवाब क्या है? लश्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदरती तवाज़ुन बिगड़ने से इंसान को क्या भुगतना पड़ता है? घर में रहना होता है, सैलाब व तूफ़ान, जलजला, ये सभी। अगला सवाल है, खून सफ़ेद किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र, इसमत चुगताई, प्रेमचंद, सआदत हसन, मंटो। तो सही जवाब कौन है? प्रेमचंद। सही जवाब प्रेमचंद। अगला सवाल है, किस दिन फिल्म माफोकुल फितरी अनासिर की कारफारमाई होती है? नावल, दास्तान, अफसाना। तो सही जवाब क्या है? अफसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसके ताउन से अंजुमन पंजाब कायम की? अंजुमन पंजाब किसके ताउन से कायम की थी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने? मोहम्मद अली बाकर, जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हालर, उसके हलराइड, उसके बाद है लॉर्ड मैकाले। तो सही जवाब है कर्नल हालराइड। अगला सवाल है, इकबाल की सन पैदाइश किया है? इकबाल की सन पैदाइश किया है 1875, 1775, 1818। सही जवाब है 1877। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है क़िस्से चार दरवेश, रामायण, किरण का फूल, बर्क़ कलीसा। तो सही जवाब है अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है बर्क़ कलीसा, बर्क़ कलीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इख्तिबास का क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीचे दिए गए इख्तिबास को पढ़कर सवालात के जवाब लिखिए। कुदरत ने कायनात की हर शय को एक मखसूस मकदार और तनासुब में रखा है, लेकिन इंसान ने अपनी ज़रूरियात, ऐशो इशरत और ख्वाहिशात नफसानी की तस्कीन के लिए इस कुदरती निज़ाम के तवाज़ुन को ख़राब कर दिया है, जिसके नतायज भी वक्तन फवक्तन सैलाब, जलजला, तूफ़ान, शदीद गर्मी, मुख्तलिफ अमराज़ वबा की शक्ल में इंसान को ही भुगतना पड़ता है। नतीजतन इंसान को हलाकत और बर्बादी का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें तमाम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर करना चाहिए। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए और अवाम में बेदारी लाने के लिए हर साल 5 जून को बैन अलाक़वामी योम माहौलियात मनाया जाता है। यहाँ पे एक सवाल है, बैन अलाक़वामी योम माहौलियात कब मनाया जाता है? 11 जून को, 5 जून को, कभी कभी 10 जून को। तो 5 जून को मनाया जाता है, हमें इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है? ये भी बहुत उम्दा क्वेश्चन है, पाली को, पंजाबी को, ब्रज भाषा को, खड़ी बोली। सही जवाब क्या? खड़ी बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर मशरक किसे कहा गया है? शायर मशरक सौदा को, साहिर लुधियानवी को, मोमिन खां मोमिन को, या अल्लामा इकबाल को? सही जवाब है अल्लामा इकबाल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी गज़ल जिनके अशार बाहम मरबूत हों क्या कहलाती हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ऐसी गज़ल जिनके अशार बाहम मरबूत हों क्या कहलाती है। जदीद गज़ल, मुसलसल गज़ल, गज़लिया, आज़ाद गज़ल, तो कहलाते हैं मुसलसल गज़ल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किताब फ़ारसी शायरी से मुतालिक है। तर्जुमा कुरान, शेरुल अजम, तोबतुन नुसूफ़, फिरदौसे बरीन। सही जवाब इसका है शेरुल अजम। शेरुल अजम क्या है, फ़ारसी शायरी से मुतालिक है शेरुल अजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीबुल अखलाक कहाँ से शाये होता है। पटना से, भोपाल से, अलीगढ़ से, कानपुर से। सही जवाब है अलीगढ़ से। कहाँ से, अलीगढ़ से। अगला सवाल है, दक्कन सी उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया। ये भी बहुत ही आम क्वेश्चन है और ये आम तौर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शिराज़ी, मीर अमन, नसीरुद्दीन हाशमी। दक्कन सी उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया है, नसीरुद्दीन हाशमी ने पेश किया है। अगला सवाल है, सालिम की कुल कितनी तादाद हैं। सालिम की कुल कितनी तादाद हैं, 8, 5, 19, 12 कितनी हैं, 8 हैं। अगला सवाल है, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई। 7 दिसंबर 1981 मुंबई में, 6 इलाहाबाद में, कितने 1920 अक्टूबर को, उसके बाद 1921 को इलाहाबाद में, और 7 दिसंबर 1921 आगरा में। तो 1921 को इलाहाबाद में वफ़ात हुई है अकबर इलाहाबादी की। अगला सवाल है, इल्मे उरूज के मौजिद कौन है। मोहम्मद शिराज़ी, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मौलाना शौकत अली, खलील इब्ने अहमद। सही जवाब क्या, खलील इब्ने अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब में इहाम गोई की तहरीक कितने अरसे तक जारी रही। 13 साल 20 साल 50 साल 25 साल। सही जवाब है 25 साल। अगला सवाल है, आब हयात कितने अदवार में तकसीम है। 6, 5, 4, 3। सही जवाब है 5। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। अगला सवाल है, यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। याद चकबस्त, हाली, गालिब, मीर। सही जवाब क्या है, हाली। यादगार गालिब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, हाली है। अगला सवाल है, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है। सर सैयद को, इकबाल को, मीर तकी मीर को, गालिब को। तो सही जवाब है मीर। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब कौन सी है। यादगार गालिब, निरंग ख्याल, जिक्र मीर, आब हयात। सही जवाब है निरंग ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया अजब बाजार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेकी है, बदी से बदी की बात। ये शेर किस शायर ने कहा है, फ़ानी, इकबाल, सुरूर, नज़ीर अकबर आबादी। सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब के अशार के मजमू का नाम बताइए। उदय हिंदी, दीवान गालिब, सफ़रनामा, या हालात ज़िंदगी। सही जवाब है दीवान गालिब। अगला सवाल है, ख्वाजा हैदर अली आतिश कब और कहाँ पैदा हुए। 1818 इलाहाबाद में, 1778 फैज़ाबाद में, 1722 में पैदा हुए, या 1721 फैज़ाबाद में। सही जवाब है 1778 फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश भी है। अगला सवाल है, कामरेड किसका अखबार है। मौलाना शिबली का, मौलाना हसरत अली मोहानी का, मौलाना शौकत अली का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। तो कामरेड किसका अखबार है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। ये सही जवाब है। अगला सवाल है, उर्दू की इब्तिदा कहाँ हुई। तुर्की में, अरब में, शिमाली हिंद में, या यूनान में। तो सही जवाब क्या है, शिमाली हिंद में उर्दू की इब्तिदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरक़ी हिंदी की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं। 2, 5, 4, 3। सही जवाब क्या है, 3। सही जवाब है। अगला सवाल है, किस सिंफ में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। अफसाना, मसनवी, दास्तान, बारहमासा। तो सही जवाब क्या है, अफसाना। अफसाना में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। अगला सवाल, वह फ़ाइल जो इल्मे उरूज में बुनियादी हैसियत रखते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खादिम, मतला, सालिम, क्लासिकी, सालिम उसे कहते हैं। अगला सवाल है, मीर तकी मीर ने उर्दू शायरी का तस्करा किस में किया है। मुवाज़ना, ज़राफ़त और तनकीद, शायरी का तस्करा निकातुश्शोरा में उसने किया है। अगला सवाल है, कसीदे के लुगवी माना किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजहार करना, दिल, मगज़, आँखें। तो सही जवाब क्या है, मगज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयास के माना लिखिए। कयास का माना क्या है, अंदाज़ा, नापसंद, कमतर, भरोसा। सही जवाब क्या है, अंदाज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराज औरंगाबादी की कुलियात का नाम क्या है। सबरस, शमसुल उशाक, कुलियात सिराज, कुलियात मीर। सही जवाब क्या है, कुलियात सिराज है। अगला सवाल है, सौदा का पूरा नाम क्या है। सौदा का पूरा नाम बताइए, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा अब्दुल्ला, हाजी सौदा, मिर्ज़ा रहीम सौदा। सही जवाब क्या है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कसीदा गो का नाम बताइए जिसने कसीदा को बुलंदियों तक पहुंचाया। चकबस्त, गालिब, मीर अमन, सौदा। दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौदा। तो जितने भी क्वेश्चंस और मारूजी सवालात हम लोग दोस्तों हल कर रहे हैं, सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इतने क्वेश्चंस आप पढ़ के याद नहीं रख सकते थे और मारूजी सवालात और एमसीक्यूज़ के ज़रिए ही आप ऐसे क्वेश्चंस याद रख सकते हैं, इतने बारीक बारीक क्वेश्चन को, और आपकी तैयारी भी इससे अच्छी होगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेजिश पाई जाती है? हरियाणवी, ये सभी, पंजाबी, ब्रज। तो क्या है जवाब? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंग्रेजी रोजनामा किसने जारी किया? सर्जन मार्शल, लॉर्ड मिकाले, गिलक्रिस्ट, जेम्स अगस्टस हकी। सही जवाब 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू कसीदा निगारे में सौदा के बाद अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो हैं? फ़ानी बदायूनी, ज़ौक, आल मसरूर, गुलजार नसीम। सही जवाब है ज़ौक। अगला सवाल है, फसाना अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेग की, मीर अमन की, मुल्ला वशी की, मीर की। सही जवाब है रजब अली की। फसाना अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीबुल अखलाक रसाला किसने निकाला? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, सर सैयद गालिब। तो सही जवाब क्या है? सर सैयद। तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया है? सर सैयद ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ से हुई है? पंजाब से, दक्कन से, गुजरी से या ईरान से? तो उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई है? दक्कन से हुई है। याद रखिए इसको, उर्दू में कसीदा निगारी की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से? दक्कन से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से अवामी शायर कौन है? नज़ीर अकबराबादी, मोहसिन काकोरी, इकबर हलाबादी, वली मोहम्मद। सही जवाब इसका हो जाएगा नज़ीर अकबराबादी। इसमें अवामी शायर कौन है? नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर का दर्जा दिया गया है, अवामी शायर भी उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? अमीर खुसरो, उसके बाद काकोरी, महमूद मोहम्मद, कुली कुतुब शाह, सुहेल बुखारी। सही जवाब क्या है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तर तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है, यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है, गर मस करे तो मस्ती है और पस करे तो पस्ती है। ये किसकी नज़्म के अशआर हैं? मोमिन खां मोमिन, हादी नज़ीर अकबराबादी, चकबस। तो सही जवाब है नज़ीर अकबराबादी की नज़्म है। अगला सवाल है, मीर तकी मीर की लिखी हुई आप बेटी का नाम है क्या है? सभी, ज़िक्र मीर, लश्कर, निकातु शोरा। तो जवाब है ज़िक्र मीर। अगला सवाल है, मीर हसन की मशहूर मसनवी कौन सी है? बागो बहार, गुले बहार, गुलजार नसीम, सहरुल बयान। तो मीर हसन की मशहूर जो मसनवी है वो क्या है? सहरुल बयान है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? किसकी किताब है? मीर तकी मीर की, नसीरुद्दीन हाशमी की, मीर अमन की, मुल्ला वशी की। सही जवाब है दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है? सौदा को, हाले को, गालिब को, मीर को। सही जवाब हाले को, उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता है। अगला सवाल है, मौलाना शिबली नुमानी की मशहूर किताब है शेरुल अजम, हयात जावेद, कुलियात मीर, निकातु शोरा। सही जवाब क्या है? शेरुल अजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमाली हिंद में उर्दू का पहला शायर कौन है? शिमाली हिंद में उर्दू का पहला शायर कौन है? फजल अली फजली, काशिफी, इनशपरदास, फ़ायज दहलवी। सही जवाब है फ़ायज दहलवी। शिमाली हिंद में उर्दू का पहला शायर जो है वो कौन है? फ़ायज दहलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब किस हुकूमत ने दिया? इंग्लैंड, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बरतानिया, हुकूमत कुतुब अली शाह। तो हुकूमत बरतानिया ने दिया था सर का खिताब। अगला सवाल है, मीर एक बड़े शायर हैं। मीर क्या है? एक बड़े शायर हैं। मरसिया के, क्लासिकी, गज़ल गो या अवामी? तो क्या है? क्लासिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद नज़म की बुनियाद डाली किसने डाली है? हाली ने, मीर, इकबाल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो क्या है? हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज़बान को दो सगी बहने कहा जाता है? किस ज़बान को दो सगी बहने कहा जाता है? अंग्रेज़ी व उर्दू को, हिंदी व हिंदी को, फ़ारसी व उर्दू को, उर्दू और हिंदी को दो सगी बहने कही जाती हैं।
अगला सवाल है, गज़ल का आखिरी शेर कहलाता है मतला, मक्ता, ये सभी बैतुल गज़ल। सही जवाब क्या है? मक्ता। गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े नज़्म गो शायर कौन है? हसरत, गालिब, मजरूह, इकबाल। सबसे बड़े जो नज़्म गो शायर हैं वो कौन हैं? अल्लामा इकबाल हैं। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी ने कैसी ज़िंदगी बसर की? कलंदराना, आज़ादी, गरीबी, बेहसी। तो सही जवाब कलंदराना है। अगला सवाल है, इब्ने बतूता की अरबी ज़बान में तहरीर सियाहत की किताब जिसे कहा जाता है रुकनु सभी रहला तहरीर। सही जवाब तीन है, रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदा किस हैसियत से मशहूर हैं? कसीदा गो, मरसिया गो, दास्तान, रुबाई। तो इसका सही जवाब है कसीदा गो। अगला सवाल है, करबल कथा का मुसन्निफ़ कौन है? असगर गोंडवी, मीर अमन, फजल अली खां फजली दाग। सही जवाब क्या है? फजल अली खां फजली करबल कथा का मुसन्निफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शायर का नाम बताओ जिसने उर्दू में बाकायदा कसीदा निगारी का आगाज़ किया। मीर अमन, कुली कुतुब शाह, सौदा, अब्दुल हलीम शरर। सही जवाब है दो, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? गऊदान, उमराव जान, गंज खूबी, बाग़ो बहार। इसका सही जवाब क्या है? बाग़ो बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरूफ सही का ऐसा मजमा जो एक रुकन में तलफ़ हो, मुसव्वता, खोशा, रुकन, मसमुआ। सही जवाब है नंबर दो। अगला सवाल है दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? असगर, अब्दुल्ला, नज़ीर, वली मोहम्मद। असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। कसीदे की पैदाइश कहाँ हुई है? कसीदे की पैदाइश कहाँ हुई? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इख्तलाफ़ अरब में। तो कसीदे की पैदाइश जो हुई है वो अरब में हुई है, अरबी शुरा ने इसको ईजाद किया है। अगला सवाल है, करबल कथा किस फारसी किताब का उर्दू तर्जुमा है? गंजकूबी का, रोज़तु शहदा का, काशिफी, शमशुल उशाक। तो सही जवाब रोज़तु शहदा का उर्दू तर्जुमा है, ये फारसी तर्जुमा है, फारसी किताब का उर्दू तर्जुमा है करबल कथा। अगला सवाल है, ज़िक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? ये मीर तक़ी मीर, अब्दुल हलीम शरर, मीर अमन हाली। तो सही जवाब क्या है? मीर तक़ी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसीदे के उमूमन अज्जाए तरकीबी होते हैं 6, 4, 5, 3। तो सही जवाब इसका है 5। कसीदे के उमूमन अज्जाए तरकीबी कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? शिबली नुमानी, ज़िकाउल्लाह, हाली, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ये किसके हैं? शिबली नुमानी। सबरस का तख्लीक़कार कौन है? ऑप्शन ए है मुल्ला वजही, अमीर खुसरो, नज़ीर, मीर अमन। तो सही जवाब है मुल्ला वजही, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सफ़रनामा सियाहतनामा है शिबली नुमानी का, नवाब करीम ख़ान का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एहतशाम हुसैन। तो सही जवाब है नवाब करीम ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन निज़ामी की मुनफरिद तफसीर है उर्दू कल्ब, तहजीबुल अखलाक, आम फहम तफसीर, निरंगे ख्याल। सही जवाब क्या है? आम फहम तफसीर। अगला सवाल है दोस्तों, किस अंजुमन ने उर्दू नज़्म को मकबूल आम बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया? अंजुमन हिमायत इस्लाम, अंजुमन तरक्की उर्दू, अंजुमन पंजाब। तो सही जवाब नंबर 4 है। अगला सवाल है, लफ्ज़ का वो हिस्सा जो एक हरफ इल्लत पर मुश्तमिल हो कहलाता है वक्फ़ास, साख्त, रुकन, खोशा। तो सही जवाब क्या है? रुकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से है ज़ाल, साद, ज़ाद, तो, ज़ो, एन, ये सब जो ख़ास हरूफ हैं अरबी ज़बान के, हिंदी के, उर्दू के, फ़ारसी के, किसके हैं? अरबी ज़बान के हरूफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुँह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़्ज़ हर वो कहलाता है, आवाज़ तलफ़्ज़ हर वह कहलाता है मखरज। मुंह के जिस हिस्से से मिलकर आवाज़ तलफ़्ज़ हो वो कहलाता है मखरज, मसमुआ, हल्की, हिंदशी। तो क्या कहलाता है? मखरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाक़या या किस्से को किरदारों के ज़रिया नाज़रीन के सामने पेश करने को कहते हैं ड्रामा, दास्तान, अफसाना, मज़मून निगारी। सही जवाब क्या है? ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बड़े अदीबों में से एक हैं सर सैद
मोहम्मद तुफेल, बहादुर अली हुसैनी। चार है गुलजार नसीम, तो सही जवाब है बहादुर अली हुसैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल की बुनियाद क्या है? फ़ारसी कसीदा, उर्दू कसीदा, उर्दू मसनवी, अरबी कसीदा, तो क्या है? अरबी कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तंबू किसकी तसनीफ़ है? हसरत, गालिब, जोश, मीर, तो सही जवाब क्या है? गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद हम असर किसकी किताब है? डॉक्टर एजाज हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी, सआदत हसन मंटो, मौलवी अब्दुल हक, सही जवाब है मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आवाज़ जो ज़बान की सतह पर रगड़ जाते हुए मुंह से हवा खारिज करें कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गशा, सफ़ीरी, दंदानी या मखरज, तो कहते हैं सफ़ीरी, सही जवाब सफ़ीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निज़ामी को खिताब मिला अंजुमन हिंद सर शम्सुल उलमा पद्मश्री, सही जवाब क्या है? शम्सुल उलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उर्दू की अहम सबाने हैं यादगार गालिब, हयात सादी, ये सभी, हयात जावेद, सही जवाब क्या है? ये सभी उर्दू के अहम सबाने हैं, यादगार गालिब, हयात सादी, ये सभी, या हयात जावेद, सही जवाब है ये सभी हैं। ये सभी क्या है? उर्दू के अहम सबाने हैं। अगला सवाल है दोस्तों, रशीद अहमद सिद्दीकी को कौन से खिताब से नवाजा गया है? पद्मश्री, इमाम, सर शम्सुल उलमा, तो सही जवाब है पद्मश्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बशीर अहमद हाशमी की किताब है गुफ्तो शुनीद, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, चंद हम असर, उदय हिंदी, सही जवाब क्या है? गुफ्तो शुनीद, बशीर अहमद हाशमी की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाका है मुरसा निगारी, गैर अफसानवी नसरी, अफसानवी नसरी शायरी का हिस्सा, सही जवाब है गैर अफसानवी नसरी। अगला सवाल है, उर्दू की गैर अफसानवी नसर की असनाफ है मज़मून निगारी, मसनवी, दास्तान, ड्रामा, सही जवाब है मसनवी, मज़मून निगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी बोस्तान ख्याल किसने लिखी है? सिराज औरंगाबादी, मीर हसन, मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर, सही जवाब क्या है? सिराज औरंगाबादी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश डैश ने लिखा है कि रजब अली बेग के तर्ज तहरीर की प्रस्तुत की जाती थी, कौन है? मुनीर मसूद, चकबस्त, गाजीउद्दीन अख्तर शिराजी, सही जवाब क्या है? चकबस्त ने लिखा है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? 1817, 1819, 1767, 1814, सही जवाब क्या है? 1817। अगला सवाल है, लफ्ज़ है खालिस उर्दू, अरबी, हिंदी, फ़ारसी का, ये खालिस फ़ारसी का लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी किस मुसन्निफ़ का तख्लीकी किरदार है? होरी किस मुसन्निफ़ का तख्लीकी किरदार है? प्रेमचंद का है, ये क्या सही जवाब इसका क्या? प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरसिया लफ्ज़ डैश डैश से बना है, क़ता से, इशारा से, रिबा से, रसा से, तो किससे बना है? रसा से, मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है, मरसिया किससे बना है? लफ्ज़ रसा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के अवसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाता? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, मरसिया, कसीदा, गज़ल, अफसाना, तो ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। अगला सवाल है, पटना के रिसाले अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मज़मून शाया हुआ? तालीमात खातून, तालीम निस्वा, निस्वानी तालीम, खातूनों की तालीम, सही जवाब खातूनों की तालीम। अगला सवाल है, इल्मे उरूज में शायरी की पहली अलामत कौन सी है? वाफिर ज़खीरा अल्फाज, आशिक मिजाजी, अवामी मौजू, तबा मौजू, तो सही जवाब क्या है? तबा मौजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्म में कौन सी सिंफ दास्तान से करीब है? मसनवी, मरसिया, कसीदा, रुबाई, सही जवाब क्या है? मसनवी। अगला सवाल है, हकीम मोमिन खां मोमिन की पैदाइश है 1802 दिल्ली, 1900 लखनऊ, 1800 दिल्ली, 1800 लखनऊ, सही जवाब क्या है? 1800 लखनऊ, 1800 में पैदा हुए और कहां पैदा हुए? लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज ज़ेल में इसमें नकेरा यानी इसमें आम कौन है? ताजमहल, गोलघर, लाल किला, शहर, तो क्या है सही जवाब? शहर इसमें नकेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? गुलजार नसीम, किस्सा चहार दरवेश, तो नौ तर्ज मुरस्सा, फसानाए अजायब, तो सही जवाब क्या है? किस्सा चहार दरवेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल, अल हिलाल किसका अखबार था? जफ़र अली ख़ान, मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब क्या? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? मीर अनीस, वली दकनी, गालिब, मीर तकी मीर। सही जवाब क्या है? वली दकनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश से मुराद है कि ख्याल सतही ना हो बल्कि इंसानी फितरत और कायनात के गहरे मुताले और मुशाहदे का नतीजा हो। सही जवाब क्या है इसका? बारीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीन और सियासत किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी की, इकबाल, चकबस्त, हाली। सही जवाब क्या है? अल्लामा इकबाल की नज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकीन की अकलौती बेटी का नाम सर सैद ने क्या दिया? उम्मीद, सेहत, हौसला मंदी, आँखों की रोशनी। सही जवाब क्या है? उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, मुकालमा नहीं मुकालमा बना दिया, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है, किसका कौल है? गालिब, सर सैद, आज़ाद, हाली। तो सही जवाब है गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का पहला स्टेज ड्रामा कौन सा है? सबरस, रामायण, निकातुशोरा, इंद्रसभा। सही जवाब क्या है? इंद्रसभा है। अगला सवाल है, ईवान गज़ल किसका नावल है? ईवान गज़ल खदीजा मस्तूर, कुर्रतुल ऐन हैदर, असमत चुगताई, जिलानी बानो। सही जवाब क्या? जिलानी बानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नूर राना पटना आएंगे, मुनव्वर राना पटना आएंगे जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? मुनव्वर राना पटना आएंगे, ये किस, ये जुमला जो है किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? मुस्तकबिल, माजी करीब, माजी बईद, हाली। तो ये सही जवाब इसका है माजी, ये सॉरी मुस्तकबिल। तो ये था दोस्तों उर्दू के मारूजी सवालात और MCQs। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस, ये मारूजी सवालात आपको पसंद आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, टोटल NCERT बेस्ड है और तकरीबन NCERT के पूरी बुक को इन्होंने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो को पाने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।